नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो PDF है वो है बिजनौर जनपद का। तो आइए देखते हैं बिजनौर जनपद में सीट कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर पे बिजनौर जनपद है। यहाँ पर टोटल सीटें 1130 थी, यानी 1130 सीटें थी यहाँ पे, और जिसमें से 31,277 जो फाइनली सिलेक्ट हुआ है प्रथम काउंसलिंग में, 878 सीटें अलॉट थी, लेकिन 832 सीटों पर यहाँ पे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो कुल सीटों का 77.70% सीट फुल हो गई है। तो ये PDF थोड़ी ऊंचाई पे चिपकाई गई थी दीवारों पे, इससे आपको थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत होगा, धुंधलापन होगा, दिक्कत नहीं होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि अन्य जिन्हें भी PDF की ज़रूरत हो वो देख सकें। और हमारे चैनल पर इससे पहले 45 PDF डाउनलोड किए जा चुके हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट के। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जैसे अमेठी, उन्नाव, बांदा, जो लिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही मिलेंगे हम लिस्ट अपलोड कर देंगे। हमारा प्रयास है आपको सभी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट प्रोवाइड कराना। थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि लिस्ट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर जा कर के लिस्ट को डैड से लेना पड़ता है। इसका कोई लिंक नहीं है कि जिसे डाउनलोड कर कर आपको हम दिखा दें। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण हेतु बैठक व्यवस्था दिया गया है। ये है सीरियल क्रमांक 1। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी का नाम है राम सिंह। तो पहले आपको बता दें, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ नाम दिया गया है, यहाँ पिताजी का नाम है, ये राम सिंह पिताजी का नाम था, पूनम कुमारी नाम है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है, और गुणांक दिया गया है, और रूम यानी कि यहाँ पर जो काउंसलिंग चल रहा था दो तलों पर चल रहा था, एक भूतल और एक ऊपर बिल्डिंग। और ये है 832 चयनित लिस्ट है जो कि बिजनौर जनपद में चयनित अभ्यर्थियों का सीरियल नंबर पूरा है। तो यहाँ सीरियल नंबर 1 पे पूनम कुमारी चयनित है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, पिताजी का नाम है राम सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 1980/4/11, कास्ट OBC, और गुणांक इनका गया है 96.83, यानी स्टार्टिंग बिजनौर का गुणांक जो है OBC का 96.83, फिर OBC का गुणांक 94.97, इसके तीसरे नंबर पे अंजलि का भी OBC में हुआ है 93.52, फिर पूनम का हुआ है चौथे स्थान पे OBC में ही 93.02, पाँचवें स्थान पे भी OBC ही है 93.02, और छठवें स्थान पे भी OBC का ही चयन हुआ है 92.65, जबकि सातवें स्थान से जनरल का खाता खुलता है यहाँ, जो 92.43 गुणांक पर चयनित हैं। इसके बाद फिर OBC कैंडिडेट हैं 92.37, नौवें स्थान पे फिर जनरल 92.17, दसवें स्थान पे भी जनरल कैटेगरी 92.00, और इसके बाद SC कैटेगरी का यहाँ पे खाता खुलता है 12 नंबर पे 91.59 पे। वहीं 13 नंबर पे अगर चलते हैं, जनरल कैटेगरी का ही चयन हुआ है जहाँ पर 91.14 गुणांक है। और उसके नीचे आते हैं 15 नंबर पे OBC 91.21 है। लिस्ट आसानी से देख सकते हैं। 25वें नंबर पे जनरल कैटेगरी गुणांक गया है 90.42, और फिर 33 नंबर पे हम आते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी 90.06, और 40वें नंबर पे आते हैं OBC कैटेगरी 89.60, यहाँ पर है। यहाँ पे 42 क्रमांक चल रहा है जहाँ पर चयनित हुए हैं ललित, OBC कैटेगरी में है, गुणांक है 89.58। उसके बाद 45 नंबर पे हम चलते हैं जहाँ पर चयन हुआ है जनरल कैटेगरी 89.49 पे, ये देखिए यहाँ पे,
फिर हम आते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर पे जनरल कैटेगरी 89.32। आपके पास पर्याप्त समय है, आप 20 के गुणांक खुद देख सकते हैं, क्योंकि सभी गुणांक को बताना यहाँ पे काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। तो 53 नंबर पे यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी 89.22 गुणांक पे चयनित हैं। फिर आते हैं हम 60वें नंबर पे, कुमारी पूनम चयनित हैं, जो कि ओबीसी कैटेगरी में चयनित हैं 88.88 गुणांक पे। पुनः हमारा वीडियो आगे बढ़ता है 70 क्रमांक पे, जहां पर काजल सिंह चयनित हैं ओबीसी में 88.70 पे। और फिर यहां पे 80 नंबर पे जितेंद्र कुमार चयनित हैं ओबीसी कैटेगरी में 88.13 पे। और 82 नंबर पे एससी कैटेगरी में चयनित है अभ्यर्थी 87.99 गुणांक पे। तो ये है 42 नंबर से लेके 82 नंबर तक गुणांक लिस्ट। तो इससे पहले जो गुणांक लिस्ट डाला गया था उसमें गुणांक नहीं था, इसलिए संशोधित लिस्ट इसको डाला जा रहा है। तो ये है 83 नंबर से रीना चयनित हुई है ओबीसी में 87.92 पे। 86 क्रमांक पे जब आएंगे तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट 87.82 पे चयनित हैं, जबकि 90 नंबर पे जब आते हैं तो यहाँ पे विश्वनाथ चयनित हैं जनरल कैटेगरी में 87.74 पे। वहीं 98वें क्रमांक पे जब आते हैं तो यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी हैं ओबीसी कैंडिडेट 87.49 पे। और नीचे आते हैं 103 पे तो पवन कुमार चयनित हैं ओबीसी में 87.40 यहाँ पे गुणांक गया है ओबीसी का। फिर नीचे 108 पे आते हैं अमित कुमार, जो कि ओबीसी कैंडिडेट हैं 87.36 गुणांक पे। इसके बाद 115 नंबर पे आते हैं रेखा रानी चयनित हैं एससी कैटेगरी में 87.22 गुणांक पे, जबकि 123 नंबर पे गीता यादव चयनित हैं ओबीसी में 86.92 गुणांक पर। ये गुणांक लिस्ट पेज है 83 से लेकर के 123 तक। अब आइए चलते हैं 124 सीरियल क्रमांक पे। 123 तक का ये पूरा हो गया है। ये है 124 सीरियल क्रमांक, जहाँ पर विनीता चयनित हैं ओबीसी कैटेगरी में 86.90 पे। फिर 127 पर ओबीसी 86.76, 131 पे सचिन कुमार हैं ओबीसी के 86.60 और 137 पे ओबीसी कैटेगरी 86.46 पे चयनित हैं पुष्पेंद्र वीर सिंह। और 142 पर रश्मि चयनित हैं ओबीसी में ही 86.33 पे। यहाँ पे देखिए 150 पर ओबीसी कैटेगरी 86.05 और 155 पे एससी कैटेगरी 85.98 और 163 जितेंद्र सिंह चयनित हैं एससी कैटेगरी में 85.82। ये पीडीएफ है बिजनौर जनपद का 31,277 चयनित लिस्ट का प्रथम संशोधित वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो है, इसका दो पार्ट है, ये पहला पार्ट है अभी, इसके बाद सिर्फ एक पार्ट आपको दूसरे भाग में दिया जाएगा। वीडियो बड़ा ना हो क्योंकि सीटें 832 हैं यहाँ पे। तो 63 नंबर पे एससी कैटेगरी, जबकि 162 पे ओबीसी कैटेगरी 85.83। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी बेस्ट एजुकेशन न्यूज अपडेट मिलती रहे। और ये है 164 सीरियल क्रमांक, जहां पर वाहिद अहमद चयनित हैं ओबीसी कैटेगरी में 85.80 गुणांक पे, जबकि 167 पे जो जितेंद्र सिंह चयनित हैं ओबीसी में 85.72 पे। और क्रमांक संख्या 171 पे आते हैं, जहां पे
ओबीसी कैटेगरी का गुणांक है 85.59 पे, वहीं पे 174 पे ओबीसी कैटेगरी 85.49, फिर 176 पे एससी कैटेगरी गुणांक है यहाँ पर 85.40, 183 पे यहाँ पर तेजपाल सिंह चयनित हैं एससी कैटेगरी में 85.13 गुणांक है इनका, वहीं 170 पर विनीत कुमार चयनित हैं ओबीसी कैटेगरी 84.93। तो यहाँ पे 193 पे चलते हैं, दीपक कुमार ओबीसी 84.83 और नीचे है 203 गुणांक पर ओबीसी कैंडिडेट 84.42 पर चयनित हैं हर्ष रूप सिंह, जबकि उससे ऊपर 202 पे अनिल कुमार चयनित है ओबीसी में है 84.50, जबकि एससी कैटेगरी का ही गुणांक है 201 पे एससी कैटेगरी में 84.56। ये पीडीएफ है, 100 सीरियल नंबर है 164 से लेकर के 203 तक। ये पीडीएफ का सीरियल नंबर 204 है, 204 पे जो संतोष कुमार चयनित हैं इस ओबीसी कैटेगरी में 84.34 गुणांक पे, जबकि 206 पे जो चयनित हैं ओबीसी कैटेगरी का ही गुणांक है 84.25 है बलबीर सिंह का। उसके बाद 209 पे राकेश कुमार चयनित हैं ओबीसी कैटेगरी में 83.91 पे, 212 पे चयनित हैं ओबीसी कैटेगरी 83.55 गुणांक है, और 215 पे मयंक चयनित हैं जनरल कैटेगरी में 83.29 पे। फिर उसके बाद 219 पे यहाँ पे गजेंद्र सिंह चयनित हैं ओबीसी में 82.22 पे, 220 पे एससी कैटेगरी 82.35 पे, 221 पे भी एससी कैटेगरी 82.33 पे, और 222 पर भी एससी कैटेगरी 82.28 पर ही चयनित हैं, जबकि 223 पे ओबीसी कैटेगरी 80.78 गुणांक, 227 पर जनरल कैटेगरी 89.87 गुणांक अब नीचे गिरता हुआ, 233 पर एससी कैटेगरी 89.37 गुणांक है, और 238 पर जो है ओबीसी 78.68, जबकि 240 पर जनरल का गुणांक है 77.91। निधि चौहान है 240 पर। ये पीडीएफ का जो क्रमांक था 204 से शुरू हुआ है और गुणांक 84.34 था ओबीसी का, जो कि नीचे आने के बाद सीरियल क्रमांक 240 पर ओबीसी का 78.60 जबकि जनरल का 77.91 गया है। आइए, ये है 241 सीरियल नंबर, यहाँ पर देखिए 241 सीरियल नंबर का शुरू हुआ है, यहाँ पर ओबीसी जनरल का कैटेगरी का गुणांक पहुँचा है 77.91 विशांत कुमार चौहान है जनरल कैटेगरी में, 244 नवनीत प्रताप सिंह जनरल कैटेगरी 77.73 पर चयन हुआ है, 247 निशांत अफ्रीका चयन ओबीसी में 77.65 पर हुआ है, 251 पे जनरल कैटेगरी का गुणांक 77.24, 252 पर जनरल कैटेगरी 77.20 गुणांक पे, 253 पे निक्की चयनित है ओबीसी में 76.98 पे, वहीं 260 पर जनरल कैटेगरी का गुणांक है 76.81, फिर 268 पर ही जनरल कैटेगरी 76.41। उसके बाद 274 पर अनिल कुमार एससी कैटेगरी में 76.11 और 277 पे निशा राणा चयनित हैं
ओबीसी में 75.98 गुणांक पर। सीरियल नंबर 278, यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी ओबीसी 75.96 गुणांक पर है, 83 रानी है। और 280 पे यहाँ पे जनरल कैटेगरी 75.81, जबकि 283 पर विपुल त्यागी 75.75 पर जनरल कैटेगरी में। वहीं 285 पे वर्षा चयनित है, ओबीसी कैटेगरी की है, 75.58 गुणांक पे, जबकि 288 पे यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं ओबीसी कैटेगरी की 75.58 पे। 289 अनुचयनित हैं ओबीसी कैटेगरी में 75.55 गुणांक पर। 290 पे आते हैं जहाँ पर चयनित अभ्यर्थी हैं दीपिका जनरल में 75.54 पर। 293 पर आयुषी है जो कि जनरल कैटेगरी है, 75.51 पे। 296 पे आरुषि हैं जो कि जनरल कैटेगरी 75.42 पे। 301 पे कुमारी अर्चना चयनित हैं ओबीसी कैटेगरी 75.27 पर। 302 पे कुमारी सपना कश्यप चयनित हैं ओबीसी में 75.26 पे। 278 से शुरू हुआ सीरियल क्रमांक, जो कि सीरियल पहुंचा है 310 तक, 311 तक। 310 पर हैं शिखा गुप्ता जनरल कैटेगरी 75.14 पर। 303 पे हैं कुमारी आयुषी गुप्ता जो कि जनरल कैटेगरी में है 75.24 पर। 299 पे हैं कुमारी निशा गुप्ता जो कि जनरल कैटेगरी है 75.29 पे। लास्ट है 311 यहाँ पर प्राची अग्रवाल जनरल 75.14 पर। 312 सीरियल क्रमांक चल रहा है, ये 312 पर 75.13 गुणांक है। और 315 पर जनरल कैटेगरी 74.99 गुणांक है, जबकि 319 पर शिखा का गुणांक ओबीसी में 74.96 है। 322 पर यहाँ पर कुमारी वैशाली गुप्ता का गुणांक जो है जनरल में 74.93 है। 322 पे कुमारी वैशाली गुप्ता का जनरल गुणांक है 74.93 पर चयनित है। 323 पर ओबीसी कैंडिडेट हैं 74.92 और 325 यहां पर देखिए उपासना उपाध्याय हैं ओबीसी 74.92 पर चयनित हैं। 326 पर रेणु सिंह हैं जनरल कैटेगरी 74.91। उसके बाद 329 पर देखिए जनरल कैटेगरी का गुणांक गया है 74.82। 332 पर जनरल कैटेगरी का गुणांक है 74.76 कुमारी पूजा चौहान। 334 पर कुमारी किरण चयनित अभ्यर्थी ओबीसी 74.73 गुणांक पर इनका चयन हुआ है, जबकि 336 पर कुमारी चंचल चयन हुआ है 74.70 पर ओबीसी में। 349 पर जनरल कैटेगरी 74.67 गुणांक। और यहाँ पे देखिए 345 पर दीक्षा रानी का चयन हुआ है ओबीसी में 74.40 पर। ये लिस्ट है 312 से 312। ये लिस्ट है बिजनौर जनपद का प्रथम काउंसलिंग लिस्ट का प्रथम चरण, जिसमें 346 सीरियल नंबर चल रहा है, जनरल कैटेगरी 74.46 गुणांक पर चयनित है अंशिका चौहान। 348 पर ओबीसी 74.44 गुणांक है। 350 पर जनरल कैटेगरी का गुणांक 74.40 है। 351 पर ओबीसी कैटेगरी 74.35 गुणांक है।
356 पे एससी कैटेगरी का गुणांक गया है 74.30 और 358 पर कुमारी दीक्षा एससी कैटेगरी 74.28 पर चयनित है। 362 अंजलि चौधरी ओबीसी 74.24, ये प्रथम तल का जो चयन था ये चयन था 360 गुणांक तक, जहाँ पर 74.26 तक चयनित हुए हैं अभ्यर्थी ये वाला। अब इसके बाद कक्ष संख्या 1 से 361 से शुरू होता है दीक्षा चौहान, जो कि चयनित हैं जनरल में ही 74.26 से। 365 पे चयनित अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में 74.16। 374 पे ओबीसी 74.04, आंचल चौधरी। 378 पे काजल शर्मा चयनित है जनरल कैटेगरी में 73.99। लिस्ट शुरू हो रहा है 346 से, और 346 से लेकर के यहाँ पर 378 तक है। 389 ओबीसी 73.98 गुणांक गया है यहाँ पे। 382 ओबीसी 73.97 गुणांक गया है। 387 एससी कैटेगरी का गुणांक 73.93 गया है। 390 जनरल कैटेगरी 73.91 पर चयनित है। 391 पे पूजा ओबीसी में 73.90 पर चयनित है। मयंक चौधरी 396 गुणांक पर ओबीसी में 73.83 पर चयनित है। 399 पे ओबीसी कैटेगरी 73.47 गुणांक, 401 पर एससी कैटेगरी 73.34। तो कक्ष संख्या 1 से कक्ष संख्या 2 में आ गया। 405 पर ओबीसी 73.02, 413 पर जनरल कैटेगरी 72.61, 413 पे, 412 पे एससी कैटेगरी 72.64, ये सीरियल क्रमांक था। 389 से 413 तक, 413 के बाद 414 मोहित कुमार ओबीसी में 72.55 गुणांक पर चयनित हैं। 415 पर यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी 72.54, 417 पे एससी कैटेगरी 72.48, 420 गुणांक पर दीपक कुमार चयनित हैं एससी में 72.42, जबकि 424 पर जनरल कैटेगरी 72.34, 426 पर ओबीसी 72.28, 428 पर चयनित अभ्यर्थी हैं एससी कैटेगरी 72.28, 431 पर ओबीसी कैटेगरी 72.25, 435 पर जनरल कैटेगरी 72.15, 440 पर एससी कैटेगरी 72.01 और 441 पर जनरल कैटेगरी 72.98, 445 पर 71.77 ओबीसी, 448 पर जनरल 71.72, 449 पर ओबीसी 71.65, 450 रैंक पर जनरल कैटेगरी 71.64। ये था बिजनौर जनपद का 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रथम काउंसलिंग, जिसमें 31,277 सीटों के लिए 832 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। तो ये बिजनौर जनपद का संशोधित प्रथम वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड होगा। ये है फर्स्ट अपलोड पार्ट बिजनौर जनपद का। तो आज का ये पीडीएफ 1 से शुरू होकर के
450 रैंक पर पार्ट एक समाप्त होता है यहाँ पे।